मेरा भी कर दिया, आपने उनका कर दिया, मैं परेशान हो जाऊंगी। भाई मेरा तो काम ही है। गुड आफ्टरनून, सर अर्चना श्रीवास्तव फ्रॉम द डीजी कॉलेज, ये हमारी स्टूडेंट है डॉक्टर स्नेहा। अभी आपने ज्वाइन कर लिया ना अलका के अंडर में, तो मुझे तो ये लग रहा था कि मैं आप बन गए डॉक्टर, मैंने मान लिया, यू ऑल आर द डॉक्टर्स, मेरे प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं, बहुत जल्दी आप बन जाएंगे। टुडे मेरा आपका टॉपिक आपको बताया गया होगा सिलेबस में, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रेडियंट्स। प्लीज कम। फील फ्री, ताकि मैं भी कर सकूं फ्री ना, अगर बहुत शार्प तौर से बैठोगे जो शायद मेरी आदत में नहीं है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ टॉपिक, बट स्टार्ट विद द प्लांट ब्रीडिंग। ऑल यू नो हाइब्रिडाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, ये एक बीज की व्यवस्था है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर की, ठीक है ना। प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग, सिंपली प्लांट यू ऑल नो ब्रीडिंग मींस, यू ऑल नो ब्रीडिंग, बट व्हेन वी ब्रीड द प्लांट फॉर इंप्रूवमेंट, फॉर बेटर कैरेक्टर्स, दीज आर कम्स अंडर द प्लांट ब्रीडिंग। इट इज अ साइंस इन विच वी इंप्रूव द, वी डेवलप द और ब्रीड द प्लांट फॉर देयर इंप्रूवमेंट। इट्स ओके, सब चाहते हैं इंप्रूवमेंट होना ना, यही तो हम कहते हैं। इंप्रूवमेंट किस चीज का, दे हैव नंबर ऑफ ट्रेट्स इन द नेचर, आप भी जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर और ट्रेट्स गवर्न्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, जीन्स, एलील्स, आई थिंक यू आर अवेयर ऑल ऑफ जीन्स एलील्स, सब जानते हैं। सो दिस इज द प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट, क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड। अच्छे खासे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, आप देखिए ना इतना बढ़िया ट्री है, और कोई देयर इज अ नीड टू डेवलप द बेटर वैरायटीज, ऑलवेज नेचर चेंज फॉर द बेटर वन, आप ही करते हैं कोशिश। सो प्लांट बाय ना प्लांट, हम कह सकते हैं कि एग्रोनॉमिक प्लांट आपका पहला बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आप हम कहते हैं अर्थ पे आता है तो रोटी कपड़ा मकान, बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, आफ्टर दैट बाकी चीजें आती हैं फूड के आगे, ओके। सो फॉर द फूड, आप खाते हैं चपाती, आप खाते हैं राइस, आप खाते हैं पल्सेस, आप सो बैलेंस फूड, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स आर देयर फॉर द डिफरेंट पर्टिकुलर अलग अलग वैरायटी के लिए। सपोज फॉर द पल्सेस व्हाट आर दिस, प्रोटीन, ओके, आई थिंक यू नो, फॉर द शुगर के कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्वीट, बट हेयर कम द ट्रेड बिटवीन टू, इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लांट हाइब्रिड बिगर बट क्वालिटेटिव वन इज ऑल्सो स्वीटनेस, सो वी कैन से द करेक्टर्स आर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मेजर एंड कांट मेजर, आप क्या हाइट मोरलेस वी कैन मेजर बट स्वीटनेस वी कांट मेजर। पहला जो हमारा होता है हाइब्रिड बिगर, bigger, bigger means more intensity for the better for any character, from the kg हम हमेशा पूछते हैं a for apple, but for the apple color is red for the color, but for the nutritive components also, okay, so these are the traits, agronomic traits are there, what are the agronomic traits which we use for the development of the cross breeding. Agronomy means suppose soil conditions, environmental conditions, then stress, against the stress, you heard the word stress condition, if we have provide all the favorable condition we will get the better plant, it's okay, kya farak padta hai, lekin agar nahi hai to kaun sa plant acha hai jo favorable mein grow kar raha hai aur jo adversity mein grow kar raha hai, kyun, in the life नंबर ऑफ एडवर्सिटीज, आज पानी बरसा कल बाढ़ आ गई ना, परसों सूखा पड़ गया, इंडिया तो देसी है एडवर्सिटीज का, सो वी वॉन्ट द अगेंस्ट द स्ट्रेस ऑल्सो, अगेंस्ट द फ्रॉस्ट, अगेंस्ट द एनी टाइप ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज, ओके, सो दीज आर द एग्रोनॉमिक फील्ड, सैलिनिटी, एसिडिटी, और यू कैन से ऑल्सो टाइप ऑफ द सॉयल
ना, सो वी डेवलप द प्लांट फॉर द पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वालिटी. फर्स्ट ऑल प्लांट्स नीड क्वांटिटी, बायोमास. ज्यादा तो चाहिए ही चाहिए, आपको भी चाहिए, वी कैन से मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए. सो फर्स्ट ट्रेट वी डेवलप द हाइब्रिड, देन bigger, bigger, bigger means ज्यादा heavy intensity for every character. बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि उसमें quality क्या है. But why ज्यादा या bigger? Sub, you heard the word supply and demand according to population. Less थोड़ा थोड़ा करके भी आप कुछ कहेंगे. Fields कहाँ जा रही हैं आपकी? कम होती जा रही हैं. So in particular less area पर हेक्टेयर ग्रेन डेवलपमेंट इज मोर ग्रेन इज रिक्वायर्ड. सो ये क्या क्या चीज, दीज आर नोन एज एग्रोनॉमिक फैक्टर. आफ्टर दैट वी कैन से द सपोज बिगर प्लांट्स देन क्वालिटी कैरेक्टर्स. आफ्टर दैट वी कैन सिंपली से डिसीज. टू वर्ड्स आर ऑलवेज इन द क्या कहते हैं जनरल, उसमें आते हैं चर्चा में, हेल्दीनेस एंड डिसीज. क्योंकि अगर कितना भी हेल्दी प्लांट है बट अगर वो डिसीज प्लांट है तो हमारी सारी मेहनत पे खराब हो जाती है. सो डिसीज ऑल प्लांट्स आर वर्क एज अ डिसीज रेजिस्टेंस, नो. सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन शिफ्ट. वी हैव अ ट्रायंगल फॉर द डिसीज, एनवायरमेंट, होस्ट एंड पैथोजन. एनवायरमेंट, होस्ट, पैथोजन. पैथोजन आर द इनोकुलम्स आर मच मोर नंबर. इट इज वेरी डिफिकल्ट to control the pathogen, very minute microorganism. Okay, their lifespan is very small. They can multiply very easily, बहुत जल्दी. दही आज जमाया कल जम गया, क्या है ये bacteria ना, like same. क्योंकि उनका lifespan is very less, so we can't well do with the pathogen. Environment, we are not the god. For the environment, we can convert the macro, you heard the word macro climate and micro climate. I mean, can't change. So we have only plant, host, may be susceptible, may not susceptible. It's okay. May be susceptible, may not. Because every plants don't have the gene which is resistant against the disease, particular type of a disease. So what can be, suppose shifting, har ek ka ek particular time hota hai disease. Like suppose wheat, we will take the wheat as an example for several times because we all aware of the wheat. So in March, rest of wheat comes. So we shift, we can generate the resistant variety, but we can shifting that time where the abundant of inoculum or of the pathogen present in the nature. It's okay. March ke pehle humne harvest kar liya. अक्टूबर से पहले हमने सो कर लिया, ठीक है ना. सो दिस इज ऑल्सो द वन पॉइंट और ट्रेड फ्रॉम वी कैन डेवलप बाय द प्लांट ब्रीडिंग मेथड एंड इजिली एक्सेप्टेड ट्रांसफर ऑफ द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेस्ट कंट्रोल. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी टाइप ऑफ द, यू कैन से पेस्ट कंट्रोल, आइदर इंसेक्ट कंट्रोल, आइदर पंजाबी में आप क्या बोलते हो उसको, पैथोजन कंट्रोल. Okay, it's okay. So this is the plant breeding. Now come to the point जो हमें पढ़ाना है, hybridization. It is a type of the cross. You can say कब आता है development करने के लिए, उसके पहले दो चीजें और आती हैं, selection, introduction, then hybridization. After that polyploidy, then mutation, and lastly tissue culture and biotechnology. This is a sequence for the breeding pattern, flow for the development of the good variety. Start with the selection, the आप सब जानते हैं अभी उसको फिर upgrade करेंगे. Then introduction is the easiest possible thing. You can introduce any variety from their domestic place and grow in their place. And second word is adaptation. Convert those variety to take the development in your variety. Domestication of the variety. This is the introduction. So, okay, आपको कुछ नहीं करना. फर्स्ट आपने कहा सिलेक्शन, सिलेक्शन इज अ पार्ट, हर जगह यूज होगा. आप किसी में भी जाइए, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप क्या करेंगे, यू चूज द बेटर वन ना. सेलेक्ट करना तो प्रोसेस है जो हर जगह आता है. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन. यू ऑल नो आर्टिफिशियल सिलेक्शन,
then before that artificial is second one versus natural, because nature आप जीन्स बनाते नहीं हैं, आप सिर्फ उसको इम्प्रूव करते हैं. आपने डिजीज रेजिस्टेंस की जीन बनाई नहीं है, जो हमारे पास नेचर ने दिया है हम उसको सिर्फ बेटर मेंटेन सेलेक्ट करते हैं, देन क्रॉस देन सेलेक्ट, देन क्रॉस देन सेलेक्ट. सो जो सबसे आपको आज आप जो फूड्स ले रहे हैं फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रॉम द एंसेस्ट्री एंसेस्टर्स. सो कैसे आया, यू हर्ड द वर्ड नेम डार्विन एंड लैमार्क, सुना होगा आपने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा. यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो वहां से यहां तक नेचुरल सिलेक्शन से आ गया, नाउ वी मेक देम फिट, वी हैव द नेचुरल सिलेक्टेड प्लांट, नाउ वी मेक देम फिट फॉर देयर डेवलपमेंट. ओके, दिस इज द सिलेक्शन. आपको बहुत सारे मैं तक पता होंगे, इसके नाम सुने होंगे आपने, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, देन पेडिग्री मोर ऑर लेस प्योर लाइन सिलेक्शन, देन इसी में से एक जो बीच में आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन. इट्स ओके, बेसिस क्लियर, यू वांट टू नो एनीथिंग, कोई चीज ऐसा है जो मैंने बोला हो, दिस ओनली द इंट्रोडक्शन. ओके, हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज यू कैन रीड एवरी बुक्स. कौन सी बुक पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पे फर्स्ट वन इज एसेंशियल टर्मिनोलॉजी. ओके, आई थिंक you all know the gamete, haploids, you know what is the gamete, if you all know please tell me. maine to socha ye sirf do aapko batane ke liye laga and you skip karne ke liye, you don't know what is gamete. Pardon? Reproductive haploids. Haploid cell, it's okay. But gamete is a part of your life cycle. This is a simply a just read. Girl. A mature reproductive cell that is specialized for sexual fusion. Sexual. You add here the reproductive part, reproductive phase. Like sperm, male gametogenesis or female. अगर आप higher में जाते हैं then spermatogenesis and oogenesis. But plants and lower biology, we can only say the gametogenesis. So it is a gamete. Okay. After that haploid, now haploid. Half set. 2n is complete set. Okay. 2n is equal to 2, complete set. And n is a half set of the chromosome number. This is known as a haploid. Then one thing, do you know X number? N is equal to X. Where? This is known as a basic number. If you heard about the ploidy, there is a X number, N number in ploidy plant is known as a X number. Like wheat, suppose wheat is a edible wheat is a hexaploid wheat. It's okay. Now clear with the haploid, diploid, and X number also here. So 42 haploid is 21. Okay, but it is a hexaploid, means they have the ancestor, that one is a monoploid. So 7. So 7 is the basic number multiplied with the 6, that is a 42 hexaploid. This is a F. So N and X is equal in basic character, but change after the ploid character. It's okay. Yes. Then diploid is okay. Zygote, you all know. Fusion between two gametes, we'll get the zygote. 2N number is there. It's okay. कोई भी प्रॉब्लम बेटा पूछ सकते हैं. नाउ जीरो जी, नाउ यू टेल मी व्हाट इज जी, सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, बहुत बचपन से आप पहला कल्चर से पढ़ते शायद, मुझे तो लगता है मेरे बच्चे जानते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द हाई स्कूल. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मीन्स ट्रांसफर. Here we can discuss here only for the genetic material means the material which have the segment of DNA that codes for mRNA, which have the knowledge to transfer the character from parents to offspring. That is the gene. अभी हम आपसे कहेंगे gene is responsible for the number of particular traits. So how it is possible? मैंने आपको आपका पूरा ना ज्ञान ध्यान दिलाया जो आप पढ़ते आ रहे हैं. DNA is a genetic material. DNA has a power to transform hereditary characters. So if gene is a
segment of DNA. So gene is also the back corrected to transfer the traits from one generation to another. So that is the genotype. हम इसको जीनोटाइप कह सकते हैं ना, प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा जो उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो कर रहा है. सो दैट इज द जीनोटाइप. सो जीन एंड जीनोटाइप कम्स अंडर द फीनोटाइप. ओके, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हमें दिखता है बाहर से, दैट इज नोन एज अ फीनोटाइप. जीन, लेकिन जीन उसमें अंदर है, बट हम आपको ये नहीं, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता विच जीन एंड वेयर एंड व्हेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर करेक्शन. आप देख नहीं सकते. You can identify only the basis of their showing their character. We can say the tallness governed by the capital T. Tallness. अभी मैंने आपको कुछ character बताए, उसमें हम ये चीज आपको बताना भूल गए कि हमेशा जरूरी नहीं कि every better thing is better for the plant. Tallness is not always better for the plant. Yes. Okay. जरूरी है ये ऐसा हो? नहीं. All characters. All traits require desired character particularly according their our desire. क्या हमें चाहिए? For bird seed, मैं discuss हमेशा करती हूँ. This is a border crop. Border crop means multiple branching. But for the wheat, we need no need of the any branching. Why? Because of the they can take the much food, we can take much space, because they take the much light. Suppose single plant, dwarf plant, मैं कब आवे ना उसमें. Top one is Norinjin. This is part of your test. Maybe हो सकता है Norinjin and Dr. Norman E. Borlaug. Okay, and M.S. Swaminathan. मैं बीच-बीच में बोलूँगी, which is useful for your test. Okay, so we desired only we want desired character जो हमें चाहिए. जरूरी नहीं कि हर एक plant के लिए एक ही character अच्छा हो. Suppose oil plant, we get oil from the seeds. So, we give their emphasis on the seed structure, fiber, stem structure, flower, ornamental flower, color, fragrance. So, these are the objective for the particular different types of the plants. Okay? So, हम कहाँ पर थे? Gene. आपने बताया fragment of a DNA known as the gene and is responsible for the particular type of character which is transferred from the one generation to another generation. Okay? Okay, now, then locus. छोटी सी बात है, आप चेयर पे बैठे हो. The place from chromosome where जहाँ पे gene attends, that is known as the locus in multiple loci. एक single locus, if number of more than genes are present, that is loci. Then come to the alleles. Same, supposed to be the gene, but variant of gene. Like eye color, different shades are there, but gene responsible the eye color is same. So variant, na? And एक word और आप use करते, allelomorph. Mean contrast character. Suppose T for the tallness, so small T for the dwarfness. Capital R for the red one, so small R for the white one. So genes, so contrast character gene response का तो हम कहते हैं allelomorph. Is it okay? Now, मुझे लगता है जो देखे स्नेहा बताएगी, मैं पूछती हूँ वो बच्चे पूछते हैं जिनको सब आता है. या दूसरा that's right. तो हम आपको पहले बारे में समझते हैं उसे. ओके, देन होमो, आप भी जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन है, हेटरोजाइगस कंडीशन आप भी सब जानते हैं. एन इंडिविजुअल हुज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आर बोथ द सेम, लव कैपिटल टी दैट इज इन होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर नोन एज अ हेटरोजाइगसिटी. अगर अब यही एक और बढ़ जाता होमोजीनस, व्हाट डू यू मीन द होमोजीनस. Homozygous and homogeneous. Homogeneous comes under the population description. Suppose a population, आप यहाँ बैठे हैं, different. आपका क्रोमोसोम नंबर सेम ही है. मुझे तो नहीं लगता कि कोई चेंज होता है, बट अलग अलग तरीके के लिए ना. इसी तरीके से अगर कोई पॉपुलेशन है वहाँ पे, मे बी हाइब्रिड, मे बी हेट्रोजाइगस प्लांट्स आर देयर, मे बी होमोजाइगस प्लांट्स आर देयर, बट द सेम प्लांट्स, दैट इज होमोजीनियस पॉपुलेशन. हेट्रोजीनियस मिक्स टाइप ऑफ. ओके, देन फिनोटाइप ऑलरेडी एक्सप्लेन. फिनोटाइप में थोड़ा सा आपने कभी कुछ ऐसा रिलेशन सुना है एनवायरनमेंट से? फिनोटाइप इज एक्सटर्नल, आप भी जानते हैं एक्सटर्नल फीचर. फीचर इज गवर्न बाय द जीन. ओके, जीनोटाइप करेक्टर. बट बाहर से हमने बोला ना, जो हमें बाहर से दिखता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हम बाहर से देखते हैं, दैट इज नोन एज अ फिनोटाइपिक करेक्टर.
But sometimes phenotypic character, when in the population, some of different मैंने अभी आपको बोला ना कि all have the same gene, but different kinds of individuals. So how? Some effect of the environment. P plus E. Okay? Phenotypic character कभी कभी change होते हैं, सब एक से नहीं दिखते, जबकि genetic characters same होते हैं, लेकिन हमें उनमें variations दिखता है. Why? Because of the their diet, their environmental conditions, their different conditions जो उसके ऊपर अपना असर डालते हैं. तो phenotypic से genotype तो लेकिन mostly क्या होता है कि अगर आप उनका average निकालें, so E comes to the zero. थोड़े उधर बड़े होंगे तो थोड़े शाम को इधर की तरफ नीचे हो जाएंगे, थोड़े उधर हो रहे होंगे थोड़े इधर की तरफ कम जो है वो हो जाएंगे. तो आपका बैलेंस अगर डेविएशन वैल्यू निकालेंगे तो इट विल कम ई फॉर द जीरो. सो पी इज इक्वल टू क्या प्रूव करते हैं, पी इज इक्वल टू ई. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द ऑलियोजेनिक एंड पॉलीजेनिक. आप जानते हैं? यस यू. व्हाट इज द पॉलीजेनिक एंड ऑलियोजेनिक? व्हाई? सोच के बताइए. ये ट्रेट बोल्स आई ऑलरेडी मेंशन फॉर यू. ट्रेट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स व्हिच वी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर वैरायटीज. ट्रेट्स नथिंग मोर देन इट डिजायर कैरेक्टर्स. ट्रेट वी कैन से बिकॉज सिंगल जीन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट. ट्रेट्स मींस सेम कैरेक्टर्स. ओके, देन आफ्टर दैट क्वालिटी ट्रेट्स. क्वालिटी एंड क्वांटिटी व्हिच बायोमास व्हिच वेट व्हिच हेवीनेस व्हिच इंटेंसिटी दैट इज कम्स अंडर द क्वालिटी और क्वांटिटी. क्वांटिटी एंड कलर फ्रेग्रेंस स्वीटनेस दैट इज क्वालिटेटिव. वी कांट मेजर द क्वालिटेटिव, वी कैन मेजर द क्वांटिटेटिव. मैं उल्टा बोल रही हूँ. जस्ट रिमेंबर. ओके, देन लास्ट वन इज इंट्रोग्रेसिव. आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन इंट्रोग्रेसिव क्रॉसेस आर देयर. देन इंसेक्ट एंड डिसीज रेसिस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज डिपेंड ऑन द suppose we develop the select by the selection and after that by the transfer of the gene which is responsible for the particular type of disease or particular type of pest, particular types of insects. Disease resistant plant, insect resistant plant, pest resistant plant. So resistant means any gene which is responsible for the resistance, and we incorporate, we transfer, we allow to grow as a development of the resistant plant. Now, next one is nothing. This is a simple. You can say here, this is a mass yield, grain yield mass. Suppose in 34,000 grains per hectare. 1950, 6,000. 1970, increase in the air and increase in the grain biomass, increasing biomass. Okay. These are the only points. Now come to the main point, foundation of plant breeding. This is the, what is the cause of biological variations? Different variations are there. Suppose hybrid, what is a hybridization? Now first tell you a plant breeding. आपने मैंने बताया cross करते हैं, breed करते हैं for the betterment. It's okay. But same thing is hybridization. So what is different between hybridization and cross? We make cross for the all the purpose, but in hybridization we will get the hybrid, genetically dissimilar genotypes. We allow to cross between genetically dissimilar genotypes, so that will give you a hybrid one. Mixed population is there, so they will give the hybrid. So hybrid, why it is known as a hybrid? Because they have the both the character from the both the parents. Okay, due to the variation, change of their variation is varied karna, from the one way to varied. They have the combination of their both the parents. This is a simple law of the cross. If you allow to cross in the F1 generation, 50-50% genes come from the both the parent. So if we allow the dissimilar genotype cross between the dissimilar genotype, आई थिंक आप समझ लेना इस चीज को जो मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ. दिस इज अ पर्टिकुलर, कुछ भी नहीं है. क्रॉस एवरीवेयर इन द प्लांट ब्रीडिंग क्रॉसेस आर देयर, बट इन हाइब्रिडेशन व्हाई नीड आई विल टेल यू लेटर. बट व्हाट इज फर्स्ट वन इज व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉस बिटवीन
dissimilar genotypes to produce hybrid vigor. Okay, so these hybrids are found because of the combination. Combination is everywhere, but here the new combination. 50% from the one parent and second 50% from the second parent. So kya hoga? They are better than their parents. So progenies are better than their parent due to their recombinant gene. बात समझ में आई? हम दो अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के जीनोटाइप्स को क्रॉस कराते हैं जिसके वजह से हमें हाइब्रिड फिगर हाइब्रिड सीड हाइब्रिड क्रॉस मिलती है. क्यों? क्योंकि हमें दोनों पेरेंट्स से उनके जीन आपस में रिकॉम्बिनेट होते हैं और वो मिक्स मिलजुल देते हैं, वो हमें हाइब्रिड. तो आपको जो हाइब्रिड मिला वो बेटर होगा ही होगा क्योंकि एक में ए है, सपोज वन पेरेंट एज अ ए सेकेंड एज अ बी, सो विल गेट द ए बी. One parent has only A, second has only B, but in progeny A, B. So these are the better. So progeny, आप भी जानते हैं, next generation को we'll call progeny और क्या कहते हैं दूसरा? Offspring. Child and something, these are the okay, but for the plant we will use two words mostly, offsprings or progeny. So this is the simple definition of hybridization. Any problem? No. ठीक है, सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? प्लांट ब्रीडिंग, देन प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, देन आफ्टर दैट द हाइब्रिडाइजेशन. इट्स ओके. हाँ, देन आगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएशन ऑब्जर्व. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएशन ऑब्जर्व. सेम रिटन हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर देयर. ओके, सिंगल जीन, अभी मैंने आपसे पूछा था ना, सिर्फ इसीलिए पूछा था. इफ द कैरेक्टर गवर्न बाय द सिंगल जीन दैट इज नोन एज ओलिगोजेनी. If governed by the multiple number of gene, that is polygyny. अभी आया, अभी याद रखिएगा. After that environment, you all know, in population genetics बहुत बड़ा effect होता है environment का. After that gene, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया, this is genotype and this one is allele. It's okay. Just see different types of. This is in short. This is In height, length is bigger than this plant, है ना? क्या है ये? Variation है. सिर्फ आपके देखने के लिए आपको लग रहा होगा इसमें ये आपने क्रॉस कराया, सपोज यहाँ पे आपकी इसकी हाइट 7 फीट मिली, इसकी हाइट आपकी 7.5. जीन तो एक ही है ना बेटा, टॉलनेस, बट क्वांटिटी ऑफ जीन रिफर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट. डिफरेंट मेजर, आप मैंने बोला ना, आप सिंपल वर्ड, यू एंड योर सिस्टर same genes but slight different, not much more but slight different because of the qualitative arrangement of the gene or quantitative arrangement of the gene. Okay, yes. आप मेंडल्स को पढ़ते कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. हाँ, बोलते हैं. मतलब जैसे मैं आपने एग्जांपल लिया था कि कुछ के हाइट ज्यादा है या कुछ के कम है, तो मैं बेसिक कैरेक्टर में क्योंकि हम लोग एक पढ़ते हैं सिलेबस में क्वांटिटेटिव ट्रेट हो गए, तो आई थिंक या सपोज मैंने पहली लाइन बोली, फर्स्ट लाइन, प्लांट ब्रीडिंग इज अ साइंस, इट इज अ ग्रुप ऑफ साइंस, इट इज अ अप्लाइड branch. Applied branch means we use this branch for the wellness of mankind. Use, but the basically the science is genetics, taxonomy, physiology, any branch, anatomy. क्या नहीं ये applied branches में हम ये main आप ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे और genetics classes. Mendel's, without Mendel there is no genetics. So same here, quantitative, qualitative, law of dominance, law of independent assortment, law of segregation. We will discuss after the hybridization. And must dominant character cover up the recessive one. In quantitative, pair of genes. In qualitative, number of genes. Now clear? For the qualitative, number of genes. For the quantitative, pair.
ओलिगो सपोज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज देयर सो क्वांटिटी ऑफ द जीन्स एंड क्वालिटेटिव नंबर ऑफ द जीन्स टू डिफरेंट रेड कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर टी आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इज ओके बट इन रोज प्लांट स्टार्ट विद द पिंक व्हाइट एंड विल गेट द डार्कर रेड हाउ So, here the pairs of the gene. Gene is red, but the much more pairs involved. That is the quantitative. Okay? Like skin color. Davenport given the cross between the Negroes and white. Okay? Yeah. Davenport. You heard the name? Yeah. Davenport. So, what is this? Same thing is there. The quantity of the gene, not the quality. Quality is single. Gene responsible for the particular character, that is oligogenic. Then more polygenic is different thing. Different characters are responsible for the different mixed number of the gene, that is polygenic. But here quantity of gene. Okay? Now clear? Then come to the hybridization. आप लिख रहे थे आप चाहे तो लिख सकते हैं but nothing more than that. आपने लिखा होगा द क्रॉस ऑफ द टू जेनेटिकली डिफरेंट क्यों करें हमने बताया आपको हमको हाइब्रिड चाहिए हमको उसको क्रॉस कराना है विल गेट द बेटर वन सो हम उनको क्रॉस कराते हैं देन रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग कॉल्ड हाइब्रिड्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू देन वेरिएबिलिटी इज इट सेम वेरिएबिलिटी क्यों आएगी क्योंकि आपका रिकॉम्बिनेंट बने नए कॉम्बिनेशन बने रिकॉम्बिनेंट में नया कॉम्बिनेशन ऑलरेडी जो कॉम्बिनेशन उनके साथ था क्रॉस कराने की वजह से हाइब्रिड में जो है हमारे रिकॉम्बिनेंट बने सो दैट वेरिएबिलिटी इज देयर आफ्टर दैट सेम थिंग इज द यूज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन जस्ट कम टू दैट हियर सिलेक्शन मैंने क्यों बोला टू टाइप ऑफ द क्रॉसिंग्स आर देयर इन सिलेक्शन वी यूज सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन मींस फ्रॉम द सेम प्लांट मेल एंड फीमेल gametes are there and they cross together. It is a cell cross from the different variety or different plant. That is a cross pollination cross. Which one is better? How? In cross, we can see every method has a significance. Which, कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये ज्यादा अच्छा है और वो ज्यादा खराब है ना वो आपने कहा सेल्फ पॉलिनेशन में आपका क्या है कि आप सेग्रीगेशन पढ़ते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशन जीन के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है दे कैन सेग्रीगेट सपोज क्रॉस पॉलिनेशन यू विल गेट द हाइब्रिड इन द अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ 50-50 देन 25 3 is to 1 generation, 1 is to 2 is to 1 generation. This is the segregation part. So, suppose आपको लाल रंग के जो प्रिंटी कैपिटल की प्लांट चाहिए थे वो आपको व्हाइट भी मिल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज दे हैव सिंगल वर्ड जो मैंने अभी आपको बताया हेट्रोजैगोसिटी इन सेल्फ पॉलिनेशन वी मेंटेन होमोजैगोसिटी सो वी डेवलप एनी पर्टिकुलर beautiful crop for the self-pollination for every generation same but before that we compile we add different characters maybe by the cross-pollination or maybe jo bhi aap padh rahe by the hybridization because suppose they kyun up then what is the minus point of self-pollination ek hi cheez ka cross karte karte they have the inbreeding depression so improve the variety Improve the same variety and incorporate the other characters, other traits, better traits, नई variety, नई चीजें अगर आप जो हम हमने कहा agronomic features means we develop the cultivars, cultivate the crops with several of traits, number of traits are there. Not for only wheat for the hybrid figure, for the protein, for the milling. For the tillering, for the machining, for the harvesting, for the husking, simple for the simple wheat. So number of the characters, number of the traits in one plant. We are moving one by one, धीरे धीरे करते हुए. So we have in one plant number of traits are there. Okay? So आप ये नहीं कह सकते which one is better. अरे क्या अपना अपना अलग अलग condition है. अगर हम cross नहीं कराएंगे तो हम hybrid नहीं मिलेगा हमें.
हाइब्रिड हमेशा अच्छा होगा, तो क्यों मिक्सिंग है तो प्लांट्स की. सो जो हम यहाँ पे बेसिकली कहते हैं हाइब्रिडेशन इन द सेल पॉलिनेशन, क्यों? क्योंकि क्रॉस में तो अपने आप में भी पॉसिबिलिटीज देयर हाइब्रिडेशन होता है, बट नेचुरली वहां भी नहीं. यू हैव टू डू इन द बोथ द प्लांट, बट बेसिकली हाइब्रिडेशन परफॉर्म होता है सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स. इज इट ओके? You can read. Frequency is very less. In natural hybridization, we'll get the very less variability, very low. So what can we do? Artificial hybridization. कैसे करते हैं बच्चों? पढ़ाएंगे. Now come to the what is the objectives? Same objectives. जो जब प्लांट डेवलपमेंट किसी प्लांट के सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होंगे बेटा? कंबाइनिंग ऑफ द बेटर ट्रेट्स, डिजायर्ड ट्रेट्स, बेटर हम उनको बनाएंगे जो हमें चाहिए. एक ही लाइन में दोनों आया गया ना, डिजायर्ड ट्रेट्स को लेंगे और उनको अच्छा डेवलप करेंगे. ओके, सेम थिंग था. मैंने मेरे मुझे लगता है आई विल रिपीट many number of times, to get planted fruit crop selection method to restore bigger loss during the continuous inbreeding of the crops. ये last line जो है आपको ये self pollination के लिए भी है कि अगर हम यहाँ पे hybridization तो ठीक है वो segregate नहीं करेंगे, but अगर हम multiple इनको हमेशा self pollination selfing ही कराते रहेंगे, self pollination कराते रहेंगे, तो उनके जो recessive gene है, what is the inbreeding depression comes डोमिनेंटली तो रहते, लेकिन बार बार सर्फिंग करने से, बार बार अपने आप में क्रॉप कराने से नई चीजें नहीं आएंगी और आपको आपको वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो. इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप समझते हैं ना, रिसेसिव पेरेक्टिव हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने बहुत क्रॉस के बाद हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स बेटर वन, और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको हम नीचे नहीं ले पाएंगे. Then come to the process, methods and technique. Two words are different. What are the technique we follow for the hybridization? Emasculation. First, basic criteria for the technique. Technique is the hybridization. Process is the hybridization. Procedure is the hybridization. Hybridization is a process, it's a procedure. But main point is there is emasculation. Why? Because to choke, रोकने के लिए क्या चीज? Cell pollination. अगर वो आपस में क्रॉस करते रहेंगे तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि नई वैरायटी हमको नहीं मिलेगी. हम कंबाइन कुछ अच्छे ट्रेड्स को आपस में नहीं, आपके पास ए वैरायटी विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, B variety with different characters. Suppose we want AB, then maybe C, D also. So, अगर वो आपस में cross करते रहेंगे तो हम कैसे cross करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं? Cross pollination करने के लिए, hybridize करने के लिए, we remove their male part of the flower. In the unisexual, in the bisexual, two types of plants are there. दोनों में एक ही process होगा. Bisexual में we can remove the male male, and in unisexual plants, suppose plants are the same, so we only the cover them. We all reveal the total flower. Suppose male flower, sepal, hermaphrodite flower, both characters, male and female, both character is present, both whorl is present, so we can remove. But in unisexual plant, we can remove total flower. Okay. So this is the main procedure, main point of the technique of the hybridization is emasculation. Then the come to the process. Every technique has the process method. First we collect their present, कितनी चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, कैसे करेंगे. तो सबसे पहला तो पेरेंट ही चाहिए ना. सबसे पहले हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? डिजायरेबल पेरेंट, पेरेंट विद द ट्रेड्स वी डिजायर, पेरेंट विद द ट्रेड्स वी हैव टू हाइब्रिडाइज. कैरेक्टर डिजायर कैरेक्टर्स विद द पेरेंट्स, सो सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, देन वेयर अबाउट ऑफ द पेरेंट्स, देन
economic condition of the parents, then atmosphere of the parents, everything. Of, suppose before क्या आपके पूरे program में soil, climate, detail और जो आपका किस सारे ये क्या चीज है, आप कोई भी काम करते हैं तो आप एक तरह से तैयारी करते हैं ना, जिसको कहते हैं तैयारी करना. प्रीरिक्विजिट में हमको पहले क्या क्या चीजें चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स विद दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. आफ्टर दैट वी स्टार्ट द प्रोसेस. क्या होती है प्रोसेस? मेरे ख्याल से तो बेसिक से आप पढ़ते चले आ रहे हो. सेकेंड वन इज मस्कुलेशन. फर्स्ट वी सेलेक्ट क्या करते हो, फर्स्ट वी टेक द प्लान देन स्टार्ट द इमस्कुलेशन. क्या हुआ? कहीं लिखा होगा इसमें, मैं बता देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, ऑलरेडी टोल्ड यू, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट. सेवरल मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट. स्टार्ट फर्स्ट जो आप अभी तक करते आए अपने क्लास में विद द फोर्सेप, विद द सीजर, सिंपलेस्ट. ओके, विद द फोर्सेप, विद द सीजर आप रिमूव करते हैं. इसके करने के पहले हमको थोड़ा सा एक चीज पढ़नी होती है, टैक्सोनॉमी ऑफ द प्लांट. व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट, आपको क्या फ्लावर ओपन किया देन रिमूव द एंथर देन क्लोज द फ्लावर देन? नो, क्योंकि हमको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो नेचुरल, उसको नेचुरल ग्रोथ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. एज इट इज जैसे वो प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, उन्हें लगना भी नहीं चाहिए कि वी कैन टच देम. क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी नेचुरल चीज को आप डिस्टर्ब करोगे तो अपने इजी वे में वो ग्रो, नेचुरल वे में ग्रो नहीं करेगा. सपोज फ्लावर्स आर गैमोपेटलस, गैमोसेफलस, पॉलीसेफलस, और सबसे ज्यादा द नंबर ऑफ द स्टेमेंस. अगर सपोज 10 है एंड वी रिमूव ओनली 9, so one remain there and they will do harm for the musculation. ठीक है ना? So all world of taxonomy of the plant, taxonomy of the flower, we have to know all about the, suppose opening of the flower in evening, closing of the flower in spring. So this is the all characters about the plant we have to know before the musculation process. सीजर से आपने कहा, हमने उनको, अगर हमारा गैमोसेफलस है वी मेक द सूचर ब्रेक, थोड़ा सा पार्ट करेंगे इतना कि जितना कि मेरा काम चल रहा है. ओके, देन वी ब्रेक द सेपल्स और पेटल्स, देन रिमूव द स्टेमेंस. आई थिंक ऑल यू नो व्हाट इज द स्टेमेंस. दिस इज अ मेल पटेल प्लांट. क्या होता है? स्ट्रक्चर इज एंथर एंड फिलामेंट. ओके, देन इन द फीमेल स्टिग्मा स्टार्ट विद द बेस ओवरी एंड स्टिग्मा. क्यों बताया? क्योंकि बाद में आपको यहीं पर आकर के जो आपने पॉलिन हटा दिया, क्यों हटाया मैंने बताया, क्योंकि आपस में सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फिंग को हमें रोकना है. सो हमने मेल पार्ट को हटा दिया. एक मेथड सिंपलेस्ट आपने अभी पढ़ लिया विद द सीजर और विद द फॉर्सेप. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत इजीली आप उनको जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम? सक्शन मेथड, हैंड मैनिपुलेशन एंड सक्शन मेथड. सक्शन मीन सब करना. इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर जस्ट फोर इनसाइड द बर्ड एंड सब. ओके, सक्शन, सक्शन पंप सुना, एयर वैक्यूम क्रॉस करेंगे और वो उसको सक करके बाहर निकाल लेंगे. दिस इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ द, आप हर जगह अपना पिन और सीजर नहीं लेके जा सकते. सपोज बहुत स्मॉल है, कोई भी काम नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं विद हॉट वाटर, विद कोल्ड वाटर और विद सम केमिकल्स लाइक एथेनॉल और अल्कोहल एंड सम अदर ऑल्सो N2NNA and 2D and some ethylene. So these are the chemicals which kill, but for the particular plant, particular extent. Temperature different for the different plant. Cold temperature different for the, suppose rice we use the cold water treatment. So this is the hot water, alcohol, cold, and lastly genetic manipulation. So आपने पढ़ा है, ठीक है?
देन हमारा काम क्या हुआ, हमने रिमूव कर दिया, अर्थात हमने हटा दिया। हटाने के बाद अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं, सो एनी पॉलिन कम, आपको पता है लाइक डिस्पर्सल पॉलिनेशन इज ऑल्सो देयर, कहीं का भी फॉरेन पॉलिन आकर के उसको फर्टाइल कर सकता है। सो वी कवर देम विद अ बटर पेपर और सम ग्लॉसी पेपर और सम ऑयल इमर्ज पेपर। व्हाई? बिकॉज इंसेक्ट्स वाटर एक्सपेल करने के लिए हम उसको एक बटर यूज द डिफरेंट टेक्सचर ऑफ द पेपर, बट फॉर द प्रोटेक्शन वी कवर दम विद अ बैग, बटर पेपर बैग। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बैगिंग। ओके, बैग बना लो, डाल दिया, सो नोन एज अ बैगिंग। आप क्या करते हो उसको बेस में थ्रेड से टाइलिंग। ओके, जो मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्यों बांध दिया, हमको घर ले जाके कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं, इज देयर एनी नीड हमको प्लांट पे ही करना है? नहीं, प्लांट हम तोड़ सकते हैं, हम प्लांट से प्लांट हटा सकते हैं, प्लांट से रिमूव कर सकते हैं ना, हम बर्ड ले जाए अपने लैब में और इजी प्रोसेस है। हम आप सोचिए ना वास्ट फील्ड और हमें एक एक फ्लावर, और वो भी आपने कभी स्पाइक स्पाइकलेट्स और राइस के कभी देखे हैं उनको, तो मेरे ख्याल से सो स्मॉल सो यूज सो इतना हेक्टिक इतना टीडियस, वी कैन डू ऑल्सो इन लैब? नो, बिकॉज फीमेल पार्ट ऑलवेज अटैच्ड टू द प्लांट ना, बिकॉज दीज आर द नॉन मोटाइल ऑलवेज अटैच्ड टू द मेल। आप हटा सकते हैं बिकॉज मेल्स आर द मोटाइल वन, बट फीमेल सो वी हैव टू परफॉर्म दिस ऑल प्रोसेस ऑन द प्लांट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द प्लांट बॉडी। ओके, सो हमें बोल रहे हैं कवर भी कर रहे हैं, टैगिंग भी कर रहे हैं, बैगिंग भी कर रहे हैं, कुछ लंबा सारा प्रोसेस है, बट वी हैव टू फॉर द सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन वी हैव टू। आफ्टर द बैगिंग सिंपल थिंग, टैगिंग, आपका टैग है, आपका टैग है, आपको लगता नहीं है, हर एक के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, योर नेम, योर क्लास, योर वेयर अबाउट्स, टाइमिंग ऑफ द क्लास, दिस इज अ टैगिंग। सो सेम हियर, द टाइम ऑफ द इमस्कुलेशन, द टाइम ऑफ द क्रॉसिंग, द टाइम ऑफ द कवरिंग। सो सपोज मोस्टली स्टार्ट विद द इवनिंग, सम टाइम इज मॉर्निंग, सो टाइम ऑफ द इमस्कुलेशन, सो ऑल इंफॉर्मेशन, बट लेस इंफॉर्मेशन डिटेल इन द कॉपी इन द नोटबुक, बट सेम प्लांट नेम, क्रॉस नेम एंड टिपिकल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राइट ऑन द एनी स्क्वायर और रेक्टेंगल पेपर टैग, दैट इज नोन एज द टैगिंग। आफ्टर दैट इसके बाद क्या आता है बच्चों, टैगिंग के बाद क्या करते हैं? नहीं मालूम, बताओ क्या बचता है? मैंने सोचा कुछ और भी होगा। Is it okay? So this is the process for the emasculation. इसको क्या कहते हैं? Technique, but not the method. Technique है आपका, क्या है आपका artificial टेक, कोई भी चीज आप काम करते हैं तो उसके पैटर्न होता है ना, आपने इस काम को किया तो दिस इज अ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन्वॉल्व फॉर बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द एंथर एंड बैगिंग एंड टैगिंग एंड लास्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रीटमेंट विद द कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, मोर देन केमिकल्स। एक और भी आपने सुना होगा, प्लांट डोंट हैव द मेल स्ट्रक्चर, देयर इज नो प्रॉब्लम, होगा ही नहीं तो इतने सारे काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द मस्कुलेशन पैटर्न। क्या होगा इसमें, प्लांट कैसे होंगे? मेल नंबर ऑफ प्रोसेस आर देयर, जीनिक, जीनिक मेल स्टेरिलिटी,
साइटोप्लाज्म आपने जहाँ पे कॉर्डिपर वहाँ ये भी बताया गया आपको आपको साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी ओके एंड जीनिंग मेल स्टेरिलिटी और भी कोई होती है म्यूटाजेनिक भी ऑल्सो देयर. सो ये जो आपका हमने क्या किया था इससे पहले जो हॉट वाटर और ये सब ट्रीटमेंट किया था हमने उस पर किल किया था जो वर्ड में भूल इसलिए मैं आपको वहाँ पर पहुँच गई. विद द हॉट वाटर वी कांट रिमूव द स्टेमिन्स किल द स्टेमिन्स. सो मेल स्टेरिलिटी इज ऑलवेज देयर वी किल द बाय द सेवरल मेथड एंड समटाइम्स जीनिक मेल स्टेरिलिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट. साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो प्लांट्स आर मेल स्टेराइल. सो लाइक अदर ट्रेट्स मेल स्टेरिलिटी इज ऑल्सो ट्रेट. It is governed by the gene and we develop the male sterile plant. बहुत आसान है process hybridization के लिए कि अगर plant में male part हो ही नहीं ना थोड़ा सा हमारे लिए work थोड़ा कम tedious हो जाएगा. ठीक है but हर हाँ मैंने बोला ना सारी possibilities हर plant के साथ follow नहीं होनी है. We follow the method according to plant requirements according to plant character. Then after that आपने बिल्कुल सही बोला क्रॉसिंग सेम. अभी आपके पास जो इमेजिनेटेड फ्लावर है उसमें आपके पास जो पिस्टल भी कहते हैं हम कार्पल भी कहते हैं ना फीमेल का बचा हुआ जो हमारा पार्ट फीमेल का है और मेल का नहीं है. तो अभी कुछ करेक्टर किसके हुए हैं हमारे जो फीमेल प्लांट में है और दूसरे जो हम चाहते हैं डिजायर ट्रेट्स ना हम उनके पॉलेंस को गैदर करें कैसे वो भी हमारा एक प्रोसेस है जहाँ पे पॉलन प्लांट आपके जिन मेल प्लांट फ्लावर पे हम क्या करते हैं बैक से कवर कर देते हैं. एक वर्ड आपने सुना होगा एंथेसिस ना लव चैलेंज लास्ट ना एंथर लोब के अंदर क्या होते हैं पॉलन्स होते हैं ना जब वो कब एंथेसिस होती है तो वो बाहर आते हैं तो वो एक प्लास्टिक बैग में हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है प्लास्टिक में करिए किसी और डब्बे में करिए आपने उसको इकट्ठा करिए और एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग हम उसको फ्रॉम द ब्रश एनी पर्टिकुलर एपरेटस कहाँ डस्ट करेंगे कहाँ टेस्ट स्टिग्मा. स्टिग्मा इज द प्लेस वेयर पॉलन कम्स एंड क्रॉस द ओके स्टिग्मा पे. सो दिस इज द क्रॉसिंग ट्रांसफर ऑफ द पॉलन कलेक्ट फ्रॉम द मेल प्लांट टू मैस्कुलिन फीमेल पर कॉल क्रॉसिंग और आर्टिफिशियल ब्लड बाय मी डन बाय human being, that is the artificial. Without nature, if we did any particular work, that is the artificial. Na? Nature nahi kar raha hai, toh artificial. That's it. फिर आप collect, मैंने आपको आप बोल दिया आपसे आप collect करेंगे अपने required plant से. आपको जहाँ का pollen, जो traits चाहिए होंगे, उस particular plant के male part को हम लेंगे, gather करेंगे और उसको हम उठा करके इसमें spray करेंगे. Does की बात है स्टिग्मा तो सबको मालूम है ना बेटा कुछ स्टिकी सा होता है व्हाट टोल्ड यू ओके देन लास्टली आफ्टर द पॉलिनेशन आप सबको पता है कौन सा प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन. ओके सो वी कांट रिमूव द बैग जस्ट रिमेंबर रिमूव द बैग हमने सुना पॉलिनेशन इज ओवर सो वी कैन रिमूव द बैग नो because the process is not complete after the fertilization when seeds are born. जब seeds हमारे complete हो जाएंगे उसके बाद हम जो है उसको open करेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे store करेंगे dry करेंगे और further generation को use करने के लिए अपने पास रखेंगे. harvesting समझते हैं okay. तो this is a total process for the emasculation technique. is there any query? You want anything? I think the simplest जो आप BSc और MSc में पढ़ते चले आ रहे हैं. अभी हमारे पास सीड आ गए अब हमको हाइब्रिडेशन आपको मिला ना हमने आपको तो आपको एक मैंने अभी बताया कि जीन हैज अ क्वालिटी टू सेग्रीगेट दीज आर द हाइब्रिड वंस इफ यू अलाउ टू क्रॉस वी विल गेट द बोथ द करेक्टर सेपरेटली. सो वी वॉन्ट बोथ द करेक्टर समटाइम वी वॉन्ट द डोमिनेंट वन समटाइम वी वॉन्ट द रिसेसिव वन. Desired characters, we have the different types of character we desired. So how it is possible to grow in the plant? Suppose heterozygosity is there, so come slightly, come to the homozygosity.
सो क्या होगा मिला एसिडिटी से, जब आप उसको सेग्रीगेट सेग्रीगेशन करते 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 जब होगा तो हमारे चांसेस सेग्रीगेट होने के खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हम प्रोसेस यूज करने हैं आपका रेजिंग द फर्स्ट जनरेशन। आपने कैसे रेज किया, हाइब्रिडाइजेशन से कर लिया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन यही तो हुई, फर्स्ट जनरेशन को हम और क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट आप कहते हैं एफ वन, ओके राइट। दे हैव बीन फर्स्ट पीलियर जनरेशन, व्हाट डू यू मीन द पीलियर, नॉट एन प्रोजेनी, ओके इन द फर्स्ट जनरेशन। So the hybridization will get the first generation when the selection process is start by the means. कौन कौन से होते हैं बच्चों, इंटरस्पेसिफिक और हम आपको बात करते हैं, मेन बेसिकली हमारे जो है आपने पढ़े होंगे अगर तो बल्क मैथड, पेडिग्री मैथड, बैक क्रॉस मैथड, समटाइम सिंगल सीड डिसेंडेंट, ओके। बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, देन सिंगल सीड डिसेंडेंट। स्टार्ट विद द स्टार्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, यू हर्ड द वर्ड, डू यू नो अबाउट दैट, यू वांट टू डिस्क्रिप्शन, सो टेल मी, ओके टेल मी एनी इंटर जेनेरिक क्रॉस इफ यू नो प्लांट विच डेवलप बाय द इंटरजेनेरिक। मैंने बोला ना मैं वो चीजें जरूर भूलूंगी जो आपको पूछे जाने की उम्मीद होगी, जैसे कैपेचेंको का इंटरजेनेरिक क्रॉस, मैं क्रॉस बोलती हूँ रेफिनस सटाइवस crossed with Brassica olbracea, cabbage, mooli, radish and cabbage and alum. So these are fertile or strife and then by the compression, okay. So remember these names, okay. So the intergener, this is also known as distant hybridization because there is, suppose the big genus, if you I'm going to explain the intergeneric intragenic, so all equal characters comes under the genus, then species, after that variety, after that biotypes, this is okay. So very easiest possible, so all the cultivar we develop with the crossing between two varieties, so easy to cross। आप वैरायटी पढ़ते हैं गेहूं की, ये वैरायटी कुफरी, आलू की वैरायटी ना, सुनहरा, धर्मा, व्हाट आर दीज, दीज आर द वैरायटी ऑफ द क्रॉस बिकॉज दे हैव द सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर क्रोमोसोम्स और आसानी से वो पेयरिंग करते हैं और क्रॉस करते हैं। स्पीसीज आर लोअर देन द जीनस एंड अपर देन द वैरायटी, बट इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक। इंट्रा जेनेरिक मीन्स व्हाट इज द इंट्रा जेनेरिक, जस्ट यू टेल मी, दो किसके बीच में, इंट्रा जेनरिक, इंट्रा जेनरिक, इंट्रा मीन्स कम्स टू द बिलो लेवल, बट ओनली रिमेंबर इंटर बिटवीन टू, इंट्रा जस्ट बिलो, लाइक इंट्रा जेनरिक मीन्स इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स इंटर वेराइटल, इंट्रा वेराइटल मीन इंटर, इंट्रा वेराइटल बिलो द, सो इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक इज अ डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। सेम द एग्जांपल इज देयर एंड सेकंड वन द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ब्रीडिंग, ट्रिटिक्वेल, यू हर्ड, यू हैव टू रिमेंबर, रिम्पाव मेक द क्रॉस, मेक द क्रॉस, ओके एंड फॉर्म द मैन, मैन वी कैन से फर्स्ट मैन मेड क्रॉप, ओके ट्रिटिक्वेल, दिस इज ईजीएस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, बट you have to know because these are the point will get into a question paper, not the total process. You have to know the scientist, you have to know the time, you have to know the, you have to learn,
ना, आपको आना चाहिए। सो हमने आपको बताया कि ये आपका एंट्रेंस, ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लाइक डिटेल है, लाइक आपका जो है ये कैपेजेंको का आपका रेफिनस का। अगर हम आपसे कहें कि क्रॉस, डू यू रिमेंबर द क्रॉस बिटवीन रेफिनस सटाइवस एंड रिस्कोरेशिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर? या शी रिमेंबर 18 नंबर ना। मैंने इसलिए पूछा कि मैं अभी आपको जब नेक्स्ट में आके पूछूंगी कि आर दे फर्टाइल और दे स्टराइल, बिकॉज मोस्टली इंटरजेनरिक क्रॉसेस आर द स्टराइल। सो व्हाई वी मेड देम दीज आर द स्टराइल वन, स्ट्राइल वन ट्रिटिकेल इज द क्रॉसिंग बिटवीन ट्रिटिकम एस्टिवम प्लस सीगेस। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 प्लस 26 और 14 ओके। सो दी नंबर की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है, इसी मैं अभी आपको पूछने वाली हूँ ना कि क्यों हमें बिना बताए भी चलना था। सबके आपको भी नहीं याद होंगे और किसी को भी सारे क्रोमोसोम नंबर, नॉट रिमेंबर एट अ टाइम, बट हियर वी कैन से बिकॉज सपोज 2N, जस्ट लिसन केयरफुली, इन रेफिनोब्रेसिका सी सेट 18 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज देयर। ओके, एंड इन द सेम ब्रिस्कोरेशिया ऑल्सो 18 नंबर is there. So n number is 9 and second n number is for the cabbage also 9. Allowed to cross them, intergenerational cross is here, Caperjanko ne kiya tha, we'll get the new crop Raphinobrassica, but it is striped. So after that we duplicate them because they the chromosome 9 plus 9. नंबर की यहाँ पे इसलिए जरूरत पड़ी आपको बताने के लिए कि 18 से जो 9 हुआ और इस 18 से जो 9 हुआ उसने क्रॉस तो किया, आपस में जुड़े तो, पर पेयरिंग नहीं की। सो 9 प्लस 9, सो अगर पेयरिंग नहीं करेंगे तो प्लांट कैसा होगा? स्ट्राइल। सो क्या करते हैं, कॉलसीन या कोई भी पॉलीप्लॉडी मैथड से ज्यादा इसको डबल करते हैं। सो अगर अपना 9 डबल करेगा तो 18 हो गया, तो दे हैव होमोलोगस पेयरिंग एंड सेकेंड फॉर द 9। तो अब हमारे पास जो हुआ वो उसके अगर आप जीनोटिपिक स्ट्रक्चर देखें, सो 18 प्लस 18, बट प्लांट इज फर्टाइल, सेम इज अ ट्रिटिकेल वन। ओके, बिकॉज दे आर द डिस्टेंट क्रॉसिंग, दे डोंट हैव द होमोलोगस पेयरिंग, सो दे आर द मोस्टली इन केसेस दे आर द डिस्ट्रॉयड, बट वी कन्वर्ट देम बाय द यूज ऑफ प्लॉयडी ट्रीटमेंट, बाय यूज ऑफ एनी अदर मेथड्स कन्वर्ट देम इनटू द फर्टिलिटी। Okay, interest, all the simplest crosses are intervarietals, दो वैरायटीज लीजिए अच्छे, किसी के पास एक अच्छा है, किसी के पास एक अच्छा है, आपस में क्रॉस कराए विल गेट द बेटर वन। बहुत सारे कल्टीवेटर्स हम आप जो भी यूज में आपके आते हैं, दे ऑल आर कल्टीवेटेड प्लांट्स विद द डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रीट्स। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड इंटर स्पेसिफिक इंट्राजेनिक, मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि आपको ये चीज बताओ ना, और भी एग्जाम्पल्स होंगे जैसे आपको इंटर स्पेसिफिक के भी आपके ट्रिटिकम ट्रांसजम और तो वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, वो शुगर कैन में टोबैको में यू हैव टू लर्न। ओके, दीज एग्जांपल्स फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। आफ्टर दैट यू कम टू द बल्क मेथड। बल्क मेथड, बल्क मींस बल्क, बल्क क्या मास, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मास सिलेक्शन एंड बल्क सिलेक्शन? आई थिंक सेम। सो बाय लिखते ही क्यों है फिर, लिखते अलग अलग है ना थोड़ा सा। सो बाय इट इज वन सेलेक्शन, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई अप्रिशिएट, बट देयर इज सम स्लाइट डिफरेंस देयर, मास सेलेक्शन डन विल बी डन इन द क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मे बी कन्वर्टेड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप इन टू द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। हर जगह ये होगा, क्योंकि अगर हमें कोई भी क्रॉप को हम जो टिपिकली हम लोग से नहीं जाएंगे तो उसके सेग्रीगेट होने के चांसेस फर्दर जनरेशन में, बट सबके लिए भी नहीं भी करेंगे तो कुछ के लिए हम करते हैं। बट यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस है कि जो हमने आपसे कहा था हाइब्रिडाइजेशन हम जिसमें करते हैं, क्योंकि हम क्रॉस करा रहे हैं, अगर वो क्रॉस पॉलिनेटेड होंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नेल हो जाएगा। तो हमें कौन से प्लांट चाहिए, दोनों में होता है, बट बेसिकली इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बल्क को हम बल्क जो है सिलेक्शन कहते हैं। सिंपल प्रोसेस, सपोज वैरायटी ए विद सम
desired character, then variety B, some desired character, okay, then allow to hybridization. So F1 generation are the hybrid one, first filial generation or hybridization. After that, we use these processes, bulk process, pedigree process, descendant process and back cross method. So bulk means take this number of the seed and grow in bulk. जब आप पेडिग्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बल्क एंड ग्रो. बल्क में बस कुछ भी हमने किया, फील्ड में उसको ग्रो किया, बल्क ले जाकर के फील्ड खुली थी, हमने उसको ग्रो कर दिया इन बल्क. बट क्या करते हैं इसको, जैसे आपने कहा ना F1, सो F1 टू F6 कलेक्ट सेलेक्ट द बेटर वन. फिनोटिपिकली सिलेक्शन होता है ना, फिनोटिपिक सिलेक्शन, मास सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रोसेस इज सेम. In the, we go to the field and choose the better one and discard the lesser one, discard the diseased plant, we choose the better one, then allow to cross in further generation, then further select the better one. जिससे के साथ क्या कहते हैं conventional method, अपने खाने सबसे अच्छा store for the production, अपने खाने के लिए रखा और अच्छा बेच दिया. This is simple process ना. तो bulk में हमने क्या, हम सिर्फ उसको phenotypically judge करते हैं, choose the better one, collect, harvest the seed in FN generation. Then seed from the FN generation, harvest the seed from the FN generation, then grow in the bulk. Then seed from harvest from the F2 generation, then grow in bulk. Then seed from the, मैम आप बोलते ही जाएंगे, बोल नहीं रहा, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक चले जाएंगे, कहीं भी चले जा तो नहीं जा सकते ना. So start with the F1 and go to the F6. 6 generation तक, पहले जनरेशन से लेकर के 6 जनरेशन तक हम बल्क में ग्रो करते हैं, प्लॉट आपके फील्ड में ग्रो करते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं और उसके बाद उनको सेलेक्ट, अच्छे को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको हर सीड को नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करते हैं. देन कलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन सीड्स, देन कल्टिवेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस प्रोसेस गोइंग ऑन फ्रॉम द F1 टू F6. आपको लगता है कि तो अब आपको लगेगा कि मैम आप ये करी क्यों रही, जब आप कोशिश में स्टडी नहीं कर रही है, बट इट इज अ प्रोसेस. मास सिलेक्शन इज, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये एक नेचुरल सिलेक्शन है, समझ रहे हैं आप. नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर की अगेंस्ट अपने आप को ग्रो कर रहे हैं. और आपको मैंने बताया ना, डार्विन को कभी मत भूलिएगा, नेचर जिस जो जो वैरायटी या जो कंडीशन है, जो ट्रेट नेचर सेलेक्ट करता है, दे आर फार बेटर देन द आर्टिफिशियल सिलेक्शन. नेचर हैव द कैपेसिटी टू डेवलप बेटर वन, हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर, जिसकी क्यों, क्योंकि वहां पे कैसे अगेंस्ट द नेचुरल कंडीशन, अगेंस्ट द एनी टाइप ऑफ द एडवर्स कंडीशन, अपने आप ही ग्रो कर रहे हैं, हमने उनको कुछ भी नहीं दिया. सपोज वी ग्रो द सम इंटीरियर वेराइटी, उसके अगेंस्ट में अपने आप पुनर्क्रॉस, तो क्या ये किसके अंदर आता है, नेचुरल सिलेक्शन में. बट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आया क्यों है, क्योंकि हमने फर्स्ट जो फेलियर जनरेशन थी वो हमने अपने, क्योंकि मुझे ट्रेट्स चाहिए थे, हमने उनके एक्सिस्टेंस से नहीं लिया, हमें ट्रेट्स चाहिए थे, हमने उनको अलाउ किया, क्रॉस किया डिफरेंट, उसमें डिफरेंट ट्रेट्स को, डिफरेंट जीनोटाइप्स को, यू कैन से डिफरेंट जीनोटाइप्स को किया, हमें हाइब्रिड मिला. देन हमने पहले जनरेशन से लेकर 6 जनरेशन तक उसको ओपन प्लॉट में सो करके और उसके बेटर को और बेटर को बेटर को बेटर को. अब हम आते हैं, 4 नाम हम लेंगे. पहला आता है आपने ग्रो कर लिया, देन प्रोजेनी टेस्टिंग. अब आप अगर कोई आपने ट्रेट्स ली है तो आपको उसको देखना तो पड़ेगा कि वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. यहाँ तो ये सोलेमेंट करना है, यहाँ पे साइंटिस्ट की वो कोई लैब में हम नहीं टेस्टिंग कर रहे हैं. सो हम यहाँ, आपने एक नाम सुना होगा विल मोरिन, इन्होंने हर्ड था नहीं, विल मोरिन आइसोलेशन ट्रीट या विल मोरिन, इन्होंने क्या बताया है, सुना है किसी, टेस्ट ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी टेस्टिंग के लिए इनका नाम आता है प्रोजेनी टेस्टिंग. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो हमारे F6 प्लांट हमको मिले, बेटर प्लांट्स आ गए बिकॉज नेचुरली सेलेक्टेड ना, बहुत मेहनत भी हमें नहीं लगी. यही हम मेरिट और डिमेरिट में अभी आपको लिखाएंगे कि ठीक है आपने ग्रो किया तो आपको बहुत आपने डाल दिया, मेहनत कम लगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज्यादा, कि इट विल टेक अबाउट 14 to 15 years फॉर द न्यू वेराइटी. ओके, बल्क सिलेक्शन में हम वेराइटी सिंपली ग्रो करते हैं, बट फॉर द हम अपने कन्वेंशनल मेथड्स के अंदर मास सिलेक्शन यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर वैरायटी. जो हमने ट्रेट्स लिए हैं हमको एक वैरायटी में के हमको नई वैरायटी डेवलप करनी है, सो वी फॉलो दिस करेक्टर बल्क मेथड. 1 जनरेशन से लेकर के 6 जनरेशन हमने उसको बिल्कुल भी रॉ उसमें ग्रो किया. देन आफ्टर दैट जो आपको सीड्स मिले उनको वी ग्रो इन द रोज़,
विच सेलेक्ट करने के लिए आप बल्क में उसको कंपेयर नहीं कर सकते विद सम ट्रेड्स विद सम स्टैंडर्ड वेराइटीज रोज ऑफ द F6 जनरेशन. आपने सीड कलेक्ट किया F6 जनरेशन से, फिर आप प्लॉटिंग या मिलकर प्लॉट में उसको रो फॉर्म में एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमने उसको ग्रो किया. प्लांट आपके जब रो में होंगे तो आप जब उनसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ना ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट कैसा है अपना. फिर उसके साथ हमने कुछ एक स्टैंडर्ड वैरायटी भी ग्रो की, उसको हम कंट्रोल वैरायटी भी कहते हैं, कंपेयर करने के लिए सिक्स जनरेशन के बाद हमको क्या मिला. रो के बाद फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो विद 50 to 100 प्लांट्स. ओके, सेलेक्ट द सीड फ्रॉम द रोज. एक अलग से शॉर्ट हुआ ना थोड़ा, उसमें आगे फिर हम उनको एक प्लांट से प्लॉटिंग करेंगे. एक प्लांट से 5 रोज, सिंगल सीड, सीड फ्रॉम द सिंगल प्लांट एंड ग्रो इन द 5 5 5 5 रोज एंड देन वी सी ऑल द लाइव्स हैव द व्हाट टाइप ऑफ द कैरेक्टर इफ दे आर बेटर एंड ऑल प्लांट आर सिमिलर. सो सिमिलरिटीज क्या शो करती है बेटा? दे आर द होमोजाइगस. If they have different types of the character, suppose capital T, so plants are all alike. Suppose capital T, small T, variations are there. Suppose very means recessive one is there. So single plant and seeds from the single plant from the we select the rows which rows are better. So आपने एक plant लिया, उसके seeds बस एक ही plant के seeds को 5 rows, 1 5, then second plant better, then 5 rows. Then third one, then 5 rows, फिर हमने उन 5 rows को compare किया. This is known as a test. उसमें कुछ भी internal या कुछ भी नहीं हो ना, test of आपने अपने appearance से उसको check किया. Okay? है ना? Harvest कर लिया, better variety. आप समझे ना, 5 rows में add same से हैं. It means it is home. और हम ढूंढ क्या रहे थे? Homozygosity. ठीक है ना? अपने characters के लिए homozygosity. तो ये हमारा आता है bulk selection में. सेलेक्शन हमारा कंप्लीट है. सेलेक्शन क्या होता है? हम एक नई वैरायटी बनाते हैं. इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? आपने सुना, हम कहते हैं PVT, प्रिलिमिनरी. जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं IAS प्रिलिम, तो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग मीन्स जहां को ये प्लांट बिलोंग करता है वो लोकल एरिया, लोकल स्टेशन विद सम वैरायटी, कंट्रोल वैरायटी और स्टैंडर्ड वैरायटी ग्रो करते हैं फॉर द वन सेशन. दिस इज प्रिमली टेस्टिंग. वहाँ पे वहाँ की एटमोसफेयर कंडीशन, जो लोकल वेराइटी के साथ अगर आप कंपेयर नहीं करें, कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कंपेयर विद लोकल वेराइटी. वाई? हमने एक अच्छी सी वैरायटी बना ली मान लीजिए, तो हमें लोकल वेराइटी से कंपेयर करने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात बेटा ये है कि अगर उससे बेटर नहीं होगी तो हमारे फिर हम उसको नहीं यूज करेंगे. जो ऑलरेडी वैरायटी वहाँ पे जिस एरिया में ऑलरेडी वो वैरायटी ग्रो कर रही है, अगर उस अगर वो हमें इतना हेक्टेयर पर हेक्टेयर इतने टन दे रही है, अगर ये वाली तो किसान हमसे बीज लेगा ही नहीं ना. वो कहेगा इससे अच्छी तो मेरे पास जो ऑलरेडी थी वो अच्छी थी, इसलिए हम उसको कंपेयर करते हैं. उसके अलावा उस एरिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अगेंस्ट भी देखते हैं, और भी जो वहाँ पे हमारे इकोनॉमिक कंडीशन सबके कंडीशन के साथ उसको हम ग्रो करते हैं. और वहाँ पे अगर हमें फाइन है तो उसके बाद हम और करते हैं को CVT, कोऑर्डिनेशन वैरायटी टेस्टिंग. मीन्स आपने अपने एरिया में कर लिया, बट वास्ट प्लेस, दुनिया बहुत बड़ी है तो दुनिया तक तो हम नहीं जाते, बट इंडिया और जोन, तो हम 3-4 जोन्स में उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन वैरायटी टेस्टिंग. वहाँ की वैरायटी के साथ कंपेयर करके ये ग्रो किए जाते हैं. अगर वहाँ उससे बेटर हुए तो ले लिए जाएंगे, नहीं बेटर हुए तो फिर से वापस अपनी जगह. तो ये हमारा दो, आपने सुना पहले हमने क्या किया, 1 to 6 जनरेशन उसको ग्रो किया, देन प्रोजेनी टेस्टिंग, देन प्रिलिमिनरी वैरायटी टेस्टिंग विद द लोकल कंडीशंस, लोकल स्टेशंस, लोकल वैरायटीज. आफ्टर दैट सिंपल कोऑर्डिनेट और मल्टी लाइन्स में आप कह सकते हैं मल्टी लोकेशनल टेस्टिंग. और जैसे हम प्रिलिमिनरी को IAS भी कहते हैं. इनिशियल स्टेज हुई ना किसी वैरायटी की, इनिशियल स्टेज हुई. दीज आर द नेम्स you have to know, these are the synonyms, initial evolution varieties. Okay, then dusra kya naam hai abhi aapko bola tha, PVT, preliminary variety testing for the local area for the one generation, then after that 3 generation for the coordination, for the multi location testing it will take, kyunki har jagah bahut zyada variation milega na, aapke apne area se aapne banaya to thoda kam, but wahan ke liye hum kam se kam 3 saal देते हैं.
सो 7 + 8 + 3 सो अप्रोक्सीमेट 12 or 14 years आपके इसमें लग जाए, 13 years लगे आपके मैम अभी आ गए, आपकी मैथ गलत है, आप 13 बता रही हैं, बट जब वहाँ से अच्छी तरह से सारे वैरायटी से बेटर वैरायटी होगी तो अब हम उसको रख तो नहीं लेंगे ना, देन फर्दर ग्रो मल्टीप्लाई रेप्लीकेट देम मल्टीप्लाई देम बल्क देम फॉर व्हाट फॉर द नंबर ऑफ सीड्स एंड गिव देम नेम एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मर टू ग्रो सो दिस इज द लास्ट लाइन आपकी ना, कोई भी वैरायटी आप जब ग्रो करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करोगे बल्क करोगे, सीड्स हम क्यों करते हैं ग्रो करने के लिए ना, सो दिस इज अ बल्क मेथड। यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप कह सकते हैं कि ज्यादा, बट थोड़ा सा इसमें हमें ये फायदा ये हुआ कि दिस इज पार्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। सेकेंड उसमें हम आते हैं तो दूसरा हमारा क्या आता है, हमने अभी क्या बोला था पेडिग्री सिलेक्शन, नो एनीवन नो व्हाट इज पेडिग्री, सपोज यू कैन से दिस इज प्योर लाइन पार्ट ऑफ द प्योर लाइन सिलेक्शन राइट और रॉन्ग मे बी मोर और लेस ना, बट पेडिग्री वी कैन से पेडिग्री 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 सिलेक्शन व्हाट डू यू मीन द पेडिग्री एंसेस्ट्री वी कैन मेक द रिकॉर्ड ऑफ द लाइन ऑफ एंसेस्टर्स आपके फोर फादर फैमिली ट्री ना, फैमिली ट्री सुनते हैं ना आपके आपके फोर फादर्स एंड फोर फादर्स हैं, सो वैरायटी जो हमारे पास इस समय है उसकी वो लाइन ऑफ जब हम ग्रो करते हैं तो उसके स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू प्रोजेनी लास्ट वैरायटी तक हम उसके सारे एंसेस्टर्स लाइंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी सिर्फ लाइन मीन्स ऑल अबाउट देयर प्लांट्स ऑल अबाउट देयर कैरेक्टर्स, क्या हमने किससे ग्रो किया कौन सा प्लांट किया कौन सी सिचुएशन में किया कौन सी कंडीशन में किया ऑल रिकॉर्ड वी मेंटेन फॉर द, यहाँ पे हम एक वर्ड और यूज करते हैं सेग्रीगेटिंग वैरायटीज, सेग्रीगेट करती है ये सारी वैरायटी सेग्रीगेटिंग है, ये बात याद रखिएगा, क्यों हमने हाइब्रिड यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन कराया है तो हमें हाइब्रिड मिला, हाइब्रिड अपने आप ही आपने मेंडल्स लॉ में आपने हमें बताया ना कि कैपिटल आर स्मॉल आर अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट फेलियर जनरेशन में विल गेट द कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, देन इन सेकेंड जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर देन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यही तो होते पढ़ते हैं आप, तो क्या हुए जीन्स सेग्रीगेट हुए, सो आफ्टर द सेग्रीगेशन दीज वैराइटीज आर नोन एज अ सेग्रीगेटिंग वैराइटीज, सो दीज प्रोसेस आर द हैंडलिंग ऑफ द सेग्रीगेटिंग हैंडलिंग ऑफ द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, ओके इज इट ओके, हर बुक में आपको यहाँ पे आके सेग्रीगेटिंग क्यों लिख दिया, हमने तो सिर्फ सेग्रीगेशन पढ़ा था इन द मेंडल्स लॉ इन द सेकंड लॉ सेग्रीगेशन आर देयर, बट दिस इज ऑल्सो नोन द सेग्रीगेटिंग, क्यों चीज वही क्योंकि हमें उनके सेग्रीगेशन को ही तो स्टडी करना है, उन क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन को ही तो हम स्टडी कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, सो दीज आर द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन एंड इन पेडिग्री वी मेक द रिकॉर्ड वी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्रल लाइन, ओके देन हाउ इट इज टेक प्लेस, सेम पेरेंट विद सम ट्रेट्स सेकेंड पेरेंट विद बेटर सम ट्रेट्स देन हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस, सो एफ वन बी विल क्या होगा आपके पास हाइब्रिड्स आर देयर, आफ्टर दैट यहाँ पे आप अभी देखिए वहां मैंने क्या कहा था हार्वेस्ट सीड एंड ग्रो इन बल्क, बट इन पेडिग्री मेथड हार्वेस्ट द सीड्स एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, सपोज वी सेलेक्ट द 20 to 30 सीड्स एंड सो इन द ग्रो इन द रोज स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग दैट इज अ पेडिग्री सेलेक्शन, कैसे आप रिकॉर्ड अगर आप बल्क में ग्रो करेंगे तो आप रिकॉर्ड बना पाएंगे, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए आपको एक फिक्स पैटर्न चाहिए, स्टडी करने के लिए एक फिक्स लाइन चाहिए, सो स्टार्ट विद द F2 जनरेशन ऑल सीड हार्वेस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ग्रो इन द लाइंस प्लॉट्स, ओके सो सेम इज हियर, सपोज वी हैव टेकन 20 टू 30 सीड्स एंड अलाउड टू ग्रो इन द रोज एंड मेक देयर रिकॉर्ड्स, आफ्टर दैट वी टेक द approximately 2000 to 10,000 seeds from the plant and grow them the plot in rows. Same after that the we have taken suppose क्या कर रहे हैं क्या करेंगे करेक्टली तो आप देखते हैं अभी तो आप सिर्फ पिनर पिनर देख रहे हैं then choose the better one select the better one discard the lower one then we select the better harvested seed about third generation about 50 to 500 but suppose 100 plants are taken then further they grow into the rows with some standard variety after the third generation same process we have taken in the work method
seed, suppose we have taken 50 plants. So next, what we'll do? Plants, single plant seeds in the rows. Rows of the single plant seeds. याद करिए आप पतली पतली आपने देखा होगा बुक्स में आपके लाइन बनी होंगी जो है आपके वो क्या है आपके सीड्स के एक ही प्लांट के सीड्स की लाइंस सेम थिंग इज हियर आपने देखा अगर फाइव लाइंस थ्री टू फाइव लाइंस सो ऑल प्लांट्स आर इक्वल आर सेम इन द लाइंस ऑफ द सिंगल प्लांट डिसेंडेंट सो इट मींस दे आर द व्हाट होमोजाइगस ओके और होमोजाइगस क्यों देखेंगे हम कोई ये नहीं पूछा मैम आप होमोजाइगस ही बता रही हैं होमोजाइगोसिटी द ट्रेट जिसके लिए मैं डेवलप कर रही थी जो मैंने सोचा था कि मैंने लिया है टॉलनेस मैंने लिया डॉटनेस मैंने लिया कलर मैंने लिया है शुगर कैमरे तो उस ट्रेट के लिए हमें होमो तो हम उस अपने डिजायर कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे विद होमोजाइगोसिटी ओके देन फर्दर अभी हमें वो जो फोन मिले वो मुझे लग रहा है कि दीज आर ओके सिक्स जनरेशन में बट वी गिव द वन मोर चांस एंड वन मोर चांस फॉर द अदर लाइन्स वी सेलेक्टेड द थ्री और फोर लाइन्स देन वन सेपरेटली जो आपको लग रहे थे दीज आर द बेस्ट अभी इससे ज्यादा इसमें उनको भी हम ट्रायल वैरायटी के साथ ग्रो करेंगे और एक मौका और देंगे फाइव जो रोज में प्लांट को सिंगल प्लांट के सीड्स को साथ में ग्रो करने का अगर हमें मिलता है सेवन जनरेशन में देन वी विल गो फॉरवर्ड अदरवाइज जब हमें सात जनरेशन तक नहीं मिला तो चांसेस नहीं है तो जितने मिलते हैं हम उनको सीड को हार्वेस्ट कर सकते हैं हम पहले ही जनरेशन से आप जैसे मैंने बोला मैं आपने कहा मैम आपने प्लॉटिंग और ये सब बताया कुछ डिस्टेंस मेंटेन हर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है लाइक वीट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 25 और समथिंग सेंटीमीटर लॉन्ग बीच में स्पेस छोड़ते हैं बता सकते हैं क्यों प्लॉट हमने जो बनाया ना जैसे बल्क में तो आपने बना दिया और सब कर दिया लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपने सपोज हाइब्रिड के सीड्स लिए देन ग्रो इन अ रोज देन फर्दर जनरेशन एक्स्ट्रा जनरेशन फॉर वी हैव टेकन अ 10 स्टार्ट विद द सपोज 1000 टू 10000 प्लांट्स जब तक नहीं करेंगे वैरायटी नहीं मिलेगी ना बट हम मैक्सिमम कल्टिवेशन करेंगे तभी हमें क्रॉस और ये सब जो है देखने के लिए मिलेगा सो 1000 टू 10000 देन 100 to 500, then 100, then 50. From the third generation, from the 50 plants, we select the seed from the single plant. Then seed from the single plant, we go further grow. So why spaced, very vast space. जितना maximum जितनी field होगी हम निकल के बाहर तो नहीं चले जाएंगे but maximum space देते हैं simple for the better requirement of the plant economic condition light light जरूरी है ना plant के लिए नहीं जो आप टेक्सोनॉमी जो मैंने आपको बताया था लीफ मेनेशन किस लिए होता है अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी ना जो आप वर्ल और स्निका सेट वो प्लांट सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाते हैं दिस आर मॉडिफिकेशन अगेंस्ट द रिसेप्शन ऑफ द लाइट सो जितना ज्यादा आप स्पेसिंग रखेंगे जितना हम रख सकते होंगे विद इन आवर ना मेरी प्राथमिकता होगी बट जितना ज्यादा रखेंगे हम उससे हमें इरिगेशन आपने पानी डाला साथ ही साथ पौधे हैं तो दोनों को उतना नहीं मिला ना अगर स्पेसिंग है तो हर चीज उसको बेटर क्वांटिटी में मिलेगी तो क्या बेटर ग्रोथ होगा ना ठीक है दैट्स व्हाई आई विल मेक द पर्टिकुलर सम्प्टुअस स्पेस बिटवीन टू रोज सो लास्टली हम वहीं पे आ गए जहां से बल्क में चले थे डिफरेंस क्या था हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से ही रो में किया था और उसका रिकॉर्ड रखा था उनके एंसेस्टर का एंसेस्टर में सपोज आपका फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स जो हैं नेक्स्ट आपका F1 जनरेशन में वो ऑफस्प्रिंग हो गए बट F1 जनरेशन इज आल्सो पेरेंट फॉर द F2 जनरेशन देन F2 जनरेशन में पेरेंट है F3 जनरेशन के लिए तो सभी पेरेंट है ना दिस इज द साइकिल ऑफ द नेचर सो ऑल रिकॉर्ड मेंटेन दिस इज नोन एज द पेडिग्री एंड द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटेनेंस ऑफ द एंसेस्टर लाइन एंड सिलेक्शन विद द पर्टिकुलर यू कैन से दिस डिफरेंट मेथड इज नोन एज अ पेडिग्री थर्ड से वी कैन स्टार्ट विद द सोइंग ऑफ द सीड ऑफ द पर्टिकुलर वन प्लांट आपको इसमें तीन चार एक्सरसाइज मैंने पहले आपको कह दिया फॉर द बल्क मेथड 1 to 6 डायरेक्ट बल्क मेथड हियर द प्लांट्स आर ग्रो हार्वेस्टिंग सीड एज अप टू द थर्ड जनरेशन आफ्टर दैट सिंगल डिसेंडेंट्स आर फिर लास्ट में तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है हर जगह हम लोग वही कहते हैं ग्रो जेनी टेस्टिंग
वो मैंने आपको अभी बताया ही कि अगर आप एक प्लांट, एक ही प्लांट के पौधों के रो बनाओगे तो अपने आप ही समय आ जाएगा, जो खराब होंगे अगर आर आर कंडीशन है, सेग्रीगेशन होना ही होना है, तो आपका वो हम हटा देंगे, फिर हम वही काम करेंगे बेटा, सिंपल ट्रायल टेस्टिंग ना, ट्रायल टेस्टिंग में वन ईयर फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्टिंग। आप बताइए बेटा, आप कौन देख रहे हो? प्रिलिमिनरी को हमने और क्या दूसरा नाम बताया था? मैं बहुत डांटती हूँ, आप इसे पूछ सकते हो, जब मैं चली जाऊँ तो पूछना, मैं हेड हूँ इनकी, और बच्चों को डांटने का मौका नहीं मिलता, गर्ल्स को ही डांटती रह जाती हूँ तो मैं इतना अच्छा मौका छोड़ूंगी नहीं, नॉट टेन मिनट्स डोंट टेक अदरवाइज, गुस्सा तो नहीं है ना। चल फिर अभी बताओ, फर्स्ट प्रिलिमिनरी जो हमने आपसे बोला, अगर आपको नाम याद है पीवीटी सीवीटी, ओके ये ज्यादा याद रहेगा, हम मैं भी सोचते हैं प्रीलिम बोलूंगी, प्रिलिमिनरी हो गया वैरायटी टेस्टिंग, बट मैंने एक नाम और बताया था इनिशियल टेस्टिंग, ओके। दूसरे के लिए आपने बताया आपको मल्टी लाइन एनसीवीटी, कोऑर्डिनेशन वैरायटी टेस्टिंग एंड क्या बोला मैंने, मल्टी लोकेशंस वैरायटी टेस्टिंग, ये आपको दोनों में लिखने हैं, ये कॉमन है आपका। पहला तो आपने प्रोजेनी टेस्टिंग किया है ना, प्रोजेनी टेस्टिंग आपको मैंने आपको बताया ही, जब क्या होता है आपका सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, नोन एज अ प्रोजेनी, व्हाट इज अ प्रोजेनी टेस्टिंग, अगर हम इतना मैंने आपसे कहा आफ्टर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स स्टार्ट द प्रोजेनी टेस्टिंग, देन ट्रायल ट्रीटमेंट आफ्टर दैट बल्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेराइटी। सो अपनी कोई भी जानने के लिए उत्सुक नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोजेनी टेस्टिंग, सेम थिंग है बेटा, सपोज आपको पता चल जाएगा कि प्लांट हाइब्रिड है, कैसे, क्योंकि जब आप क्रॉस कराओगे तो अगर स्मॉल, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों होगा तो एक प्लांट होगा जो बहुत छोटा सा होगा, इसका मतलब ये हाइब्रिड था, अगर वो हाइब्रिड नहीं होता और प्योर नहीं होता, प्योर का क्रॉस कराने की जरूरत ही, तो पहले जनरेशन में आपको पता चल जाएगा, अगर ऑल आर डोमिनेट कैपिटल टी फर्स्ट जनरेशन में सारे एक से मिलेंगे, आपको वेरिएशन दिखेगा ही, सेग्रीगेशन हो रहा ही नहीं ना, सेग्रीगेशन मीन 3:1 का रेशियो या 1:2:1 का रेशियो, सपोज अगर फिनोटिपिकली हमको नहीं दिख रहा फिर भी 3:1 तो दिखेगा ना, वन तो हमें रिसेसिव तो दिखेगा, इसका मींस दीज आर द हेटेरोजाइगोसिटी, सो टेस्ट ऑन दिस इज नोन एज अ प्रोजेनी टेस्टिंग, आफ्टर दैट द ट्रायल 1 ईयर फॉर इनिशियल 3 ईयर फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड जो है आपका मल्टी लोकेशन, उसके बाद हमने बताया आपको रेप्लीकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बल्क में ग्रो करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें भी वो चीज आप याद रखेंगे विद लोकल वेराइटी विद एटमोस्फेरिक कंडीशंस वी हैव टू, मैंने बोला एक टाइम मैंने उसमें सारी चीजें बोल दी, उसमें भी सारी वही वही चीजें होंगी, ओके। देन अब हम एक बार 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 ये बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड रेप्लीकेशन, क्या जरूरत है, बात तो दोनों एक ही है, नहीं, रेप्लीकेट देम, मल्टीप्लाई देम, बल्क देम, इंक्रीज इन नंबर, दे गिव द पर्टिकुलर वेराइटी नेम, ब्रीडर का भी नाम, आप देखते हैं ना वेराइटीज में कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी लिखा होता है जिन्होंने ग्रो की होती है, सब कुछ कर दिया नाम हो गया, तो हम क्यों रेप्लीकेट बार बार कर रहे हैं, बिकॉज मोजैक्स ना वो अपने ही जैसा बनाएंगे, रेप्लीकेट करेंगे, तो मोजैक्स कंडीशन आप समझ रहे हैं रेप्लिका, ओके, सो रेप्लीकेट मल्टीप्लीकेट बल्क एंड डिस्ट्रीब्यूट मेथड, सो दिस इज अ पेडिग्री, ओके। दो बताया था, अभी एक और आता है, बस जाता है थोड़ा सा, जाना आप लोग का टाइम हो गया तो कर लूंगे फिर, मुझसे तो कहा गया था आपको बहुत बहुत, ओके विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, एनी प्रॉब्लम फॉर द टूडेज लेक्चर, समझ में आया? आसान क्वेश्चन तो यही है कि जो नहीं समझ में आया वो पूछ लो, मुझे नहीं लगता यू ऑल आर द गुड स्टूडेंट्स, बट मे बी सम टाइम मेमोरी नॉट रिकलेक्ट देम, या कोर्सेज हैं कभी पढ़े होंगे अभी छूट गए होंगे, जो भी और भी जो प्रॉब्लम है यू कैन आस्क एनी फर्दर, आपको मुझे पहले बोल देना चाहिए था बच्चों, आप इसको जरा क्लोज कर दो आपका कैमरा, what is the length of your class? 3:32 5 not time अभी हुआ होगा मुझे नहीं लगता।